नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, किसी के चेहरे को नहीं दिल को देखो, किसी के चेहरे को नहीं दिल को देखो। अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक हर जख्म की दवा होती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर में। और जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी, जो कैट के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए या जो भी एग्जाम आएगा, इसमें हरियाणा तो वैसे मैं डाल ही रहा हूँ, कोई मर्जी एग्जाम आएगा ना हरियाणा का या किसी भी लेवल का, ये जो बुक है इसमें से क्वेश्चन हर हाल में आएंगे। ये आज हम इंडिया जीके की जो सीरीज स्टार्ट की हुई कंटिन्यू रखेंगे। इसमें पूछा गया था बच्चों, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था? तो जय मां सरस्वती का नाम लेते हैं, महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य पूछा गया था सुभद्र था। कौन था प्यारे बच्चों? सुभद्र था। तो महात्मा बुद्ध नाम आ गया है ना, तो महात्मा बुद्ध का पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। महात्मा बुद्ध का जन्म है ना 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। गुरु जी कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इम्पोर्टेंट है महात्मा बुद्ध के, है ना, जो बच्चों पेपर में आता है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व जो मल्लों की राजधानी होती थी उसी नगर में इनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की जल्दी से मैं हिस्ट्री बता देता हूँ बच्चों। महात्मा बुद्ध को ना लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है। जो अर्नोल्ड ने इसने एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या होता था? सुदोधन होता था। क्या होता था? सुदोधन होता था। महात्मा बुद्ध की माँ का नाम महामाया होता था। महामाया की कहते हैं गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। फिर महात्मा बुद्ध की जो मौसी होती है गौतमी प्रजापति महात्मा बुद्ध की मौसी थी और यही इनकी पहली महिला क्या होती थी? शिष्य होती थी। और महात्मा बुद्ध का पहला पुरुष शिष्य पूछे तो कौन होता था? आनंद होता था। और आनंद के कहने पर महात्मा गांधी ने, ये महात्मा गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को ना बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की आजादी दे दी थी। और महात्मा बुद्ध ने कहा अगर महिलाएं आ गई ना इस धर्म में तो ये मतलब धर्म है जल्द ही समाप्त हो जाएगा कुछ सालों बाद। बाद में ना 6 से 8 शताब्दी के बीच में बजरयान शाखा आएगी गुप्त वंश में, नालंदा विश्वविद्यालय में ये बातें होती थी। तो उस टाइम है ना उसमें कर्मकांड आ गए तो लोगों ने बौद्ध धर्म छोड़ दिया था। तो 2 शाखाएं हीनयान या महायान। इनके पिता का नाम शुद्धोधन होता था, इनकी पत्नी का नाम क्या होता था? यशोधरा होता था। और इनका एक बेटा होता था राहुल, जिसका अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? एक और बंधन था। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह का त्याग किया था और 6 वर्ष के कठोर वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो बोधितव कहलाए थे और बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य होता है बोधितव को प्राप्त करना। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध ने उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज्यादा पूछे ना तो ज्यादा पूछेगा सारनाथ मत करना, पहला सारनाथ में दिया था। और सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, ये याद कर लेना। और महात्मा बुद्ध से प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने जब गृह त्याग किया ना, ये प्रक्रिया महा भी निष्क्रमण कहलाई थी। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की उम्र में कंटक इनके घोड़े का नाम था, छंद सारथी का नाम था। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ये महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था, प्रवर्तन। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ना कुशीनगर में, ये महापरिनिर्वाण कहलाया था, महापरिनिर्वाण कहलाया था। ये बच्चों महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महावीर स्वामी पूछे ना तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और 468 ईसा पूर्व पावापुरी में महावीर स्वामी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ होता था, माता का नाम त्रिशला होता था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा होता था, महात्मा बुद्ध की यशोधरा होता था। और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम प्रियदर्शिका होता था और इनका एक बेटे जो दामाद होता था उसका नाम जमाली होता था। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? राजगृह में दिया था अपने दामाद
जमाली को दिया था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को ना बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के पेड़ के नीचे और रिजू पाली के जो निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे, और महावीर स्वामी को रिजू पालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे जाम्बी ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्यारे बच्चों, ये ना आप कहोगे गुरुजी आप फास्ट क्यों करवा रहा हूं, एंशिएंट इंडिया की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इतना डिटेल से करवाया, और कोई मर्जी एग्जाम दे देना, एक क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं होगा। एंशिएंट मिडवल दोनों की, मॉडर्न के कुछ टॉपिक रहते हैं वो डलवा रहा हूं, एंशिएंट मिडवल की वीडियो देखी हुई देखना प्लेलिस्ट में, आप कोई भी स्टेट एग्जाम HCS तक का एग्जाम दे देना, अगर क्वेश्चन आया ना टॉपिक से गलत है नहीं होगा। प्यारे बच्चों, एक बार ये पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आगामी एग्जाम में भी आ सकता है कि ये पूछा गया था सबसे ज्यादा ये पेपर में, आगामी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि बोध ग्रंथ की भाषा पूछी गई थी, तो दोनों को बता देता हूं, बोध ग्रंथ की भाषा पाली होती थी। बोध ग्रंथों की भाषा क्या होती थी, तो बोध ग्रंथों की भाषा प्यारे बच्चों पाली होती थी, और जैन ग्रंथों की भाषा है ना वो क्या होती थी, प्राकृत होती थी। तो पाली और प्राकृत है ना, दोनों भाषाओं से याद कर लेना, एक की क्या होती थी पाली होती थी और एक की क्या होती थी प्राकृत भाषा होती थी। एग्जाम में ना इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों 101% पूछा जाएगा। एक पेपर में आया था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है कि पानीपत थर्मल स्टेशन का को किस वर्ष चालू किया गया था, तो पानीपत के सिवा गांव में थर्मल स्टेशन 1979 में चालू हुआ था। पानीपत 1979 में सिवा गांव में पानीपत के कौन सा स्टेशन चालू किया गया था, थर्मल स्टेशन चालू किया गया था। और जो एकमात्र परमाणु संयंत्र कहां पर है, तो एकमात्र परमाणु संयंत्र है ना तो वो कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, गोरखपुर में रहेगा, और गोरखपुर कहां पर है बच्चों, फतेहाबाद में रहेगा, और इसका उद्घाटन है ना प्यारे बच्चों 2014 में माननीय प्रधानमंत्री उस टाइम होते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था, गोरखपुर आए थे। ये भी पेपर में पूछा गया है, ठीक है, आगामी एग्जाम में भी पूछा जाएगा बच्चों, बहुत बार पेपर में पूछा गया था। एक बार आया था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, शारदा लिपि में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संग्रहालय में स्थित है, तो नाथ संप्रदाय के 5 ग्रंथ कुरुक्षेत्र संग्रहालय में ना, नाथ संप्रदाय के कितने ग्रंथ है, 5 ग्रंथ है, तो ये भी पूछा जाएगा बच्चों। अस्थल भूअर कहां पर है, नाथों का मठ अस्थल भूअर कहां पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। और बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो इंडिया जीके के एग्जाम में भी आए हुए हैं, क्योंकि अस्थल भूअर का बहुत महत्व है। जैसे कनफरा संप्रदाय का, एक बार कनफरा संप्रदाय का मतलब होता है जो ये कनफटे साधु होते हैं ना, इनका संप्रदाय होता है, कनफरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र पूछा गया था, तो वो भी कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, अस्थल भूअर हो जाएगा। एक बार पूछा गया था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कि इन फूड सेफ्टी इंडेक्स में भारत के सभी राज्यों में पहले नंबर पर कौन है, तो बच्चों इन फूड सेफ्टी इंडेक्स में ना प्रथम स्थान पर गोवा है। इन फूड सेफ्टी इंडेक्स, इन कोई फूड का सेफ्टी इंडेक्स है उसमें ना, मतलब गोवा का स्थान पहला है और हरियाणा का स्थान याद रख लेना, तो हरियाणा कौन से स्थान पर रहेगा इन फूड सेफ्टी इंडेक्स में, ये पेपर में इन फूड सेफ्टी इंडेक्स में ये पूछा गया था, तो कौन सा स्थान रहेगा, हरियाणा का 16वां स्थान रहेगा। ये एग्जाम में, आगामी एग्जाम में भी बच्चों पूछा जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रख लेना। एक बार आया था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, कौटिल्य द्वारा लिखित किस पुस्तक में साम्राज्य चलाने के बारे में विवरण है, तो ये याद कर लेना। ये पूछना चाहता है कि अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में क्या है, तो अर्थशास्त्र में ना बच्चों इकोनॉमिक्स ना होकर क्या है, राजनीति है, क्या है, राजनीतिक बातें हैं। इसमें बताया गया है हाउ टू रूल, कि राजा को क्या करना है, शासन कैसा करना चाहिए। और मौर्य साम्राज्य में ना ये पूछा जाते हैं कि उपदा प्रणाली क्या होती थी, उपदा प्रणाली, तो उपदा प्रणाली में ना क्या करता था चाणक्य खुद है ना, वो ईमानदारी का परीक्षण लिया करता था, किसका परीक्षण लेता था, ईमानदारी का परीक्षण लिया करता था। और अर्थशास्त्र किसने लिखी है, आचार्य चाणक्य जी ने लिखी है,
चाहे विष्णु गुप्त आ जाए। विष्णु गुप्त ने क्या लिखी है प्यारे बच्चों, विष्णु गुप्त ने अर्धशास्त्र लिखी है, तो इसमें हाउ टू रूल लिखा गया है और ये 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है, 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का शासन काल है और 272 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का शासन काल बताया जाता है। बाद में ना 184 ईसा पूर्व कहते हैं इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था, बृहदर्थ होता था, उसको पुष्यमित्र सुंग ने मारकर किस वंश की स्थापना की थी प्यारे बच्चों, सुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसमें बताया गया है हाउ टू रूल, एक बार पूछा गया था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो आगामी एग्जाम में भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा कि तमिलनाडु में कौन सा मंदिर है, तो मीनाक्षी मंदिर है ना तमिल मदुरई तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर कहां पर रहेगा, मीनाक्षी मंदिर काफी बार ये पेपर में आता है, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में रहेगा, मदुरई तमिलनाडु में कौन सा मंदिर रहेगा, मीनाक्षी मंदिर रहेगा। बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, मीनाक्षी मंदिर कहां पर रहेगा, मदुरई तमिलनाडु में रहेगा, उज्जैन में महाकाल मंदिर रहेगा, ये पेपर में उज्जैन को महाकाल नगरी बोला जाता है, कौन सा मंदिर रहेगा, महाकाल मंदिर रहेगा। और इस मंदिर को ना कहते हैं किसने लूटा था 1234-35 में ना, इस मंदिर को किसने लूटा था, इल्तुतमिश ने लूटा था, किसने लूटा था। ये जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आए हुए हैं, गुरुजी किस बुक से करवा रहे हो, ये बुक है बच्चों हरियाणा के हर बुक स्टोर पर उपलब्ध है, इसी में हरियाणा और इंडिया जीके के दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और बच्चों मैं यहाँ पर करवाता रहूंगा, और अगर ना मैं एक बार ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम में भी आ सकता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में खालिस्तान घंटों का टाइम गैप समय अंतराल है, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में ना टाइम जोन के हिसाब से 2 घंटे का अंतर है, गुजरात गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश जहां पर सुबह सबसे पहले सूर्य उगता है ना, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे का गैप है प्यारे बच्चों, भारत में होकर भी ना 2 घंटे का क्या है गैप रहता है भारत में, इसीलिए कई राज्य है ना बच्चों अलग टाइम जोन की क्या कर रहे हैं मांग कर रहे हैं। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो टाइम जोन में कितना अंतर आ जाता है ये भी पूछा गया क्वेश्चन रहेगा आगामी एग्जाम में। आगे आता है बच्चों 2023 में भारत का कौन सा शहर पुरुष हॉकी विश्व कप प्रतिस्पर्धा की मेजबानी करेगा, 2023 का जो हॉकी का जो में है ना कहां पर होना है, भुवनेश्वर में होना है, भुवनेश्वर कहां पर रहेगा, उड़ीसा, 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप, 2023 का कहते हैं हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर होगा, तो भुवनेश्वर में होगा, और भुवनेश्वर कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, उड़ीसा में रहेगा। आगामी एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक बार आया था बच्चों खालिस्तान द्विपक्षीय लाहौर शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए पाकिस्तान की एक ऐतिहासिक वंश यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो बच्चों लाहौर में जो मतलब है ना शांति घोषणा पत्र से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले वंश से भारत के प्रधानमंत्री होते थे उन्हें कौन भूल सकता है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी होते थे। 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 16 अगस्त को इनकी क्या हो गई थी, 2018 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी अटल बिहारी वाजपेयी। और कहते हैं अगर 15 अगस्त को मृत्यु हो जाती ना तो हमारा तिरंगा झंडा है ना वो झुक जाता, तो कहते हैं सारी रात अटल जी मौत से लड़ते रहे, इनकी कविता भी है मौत से मेरी ठन गई। तो ऐसे मतलब लीडर का पैदा होना ना बड़े गर्व की बात होती है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो मैं नमन करता हूं प्यारे बच्चों, ऐसे प्रधानमंत्री शायद ही भारत के इतिहास में कभी पैदा हो। एक बार इनसे पूछ लिया क्या विपक्ष ने कोई काम नहीं किया इन सालों में, तो इन्होंने कहा अगर मैं कहता हूं विपक्ष ने कुछ नहीं किया तो मैं मेरे सैनिकों का अपमान करता हूं और मेरे किसानों का अपमान करता हूं और इस देश का अपमान करता हूं, विपक्ष ने भी किया है लेकिन हम विपक्ष से ज्यादा करके दिखाएंगे। एक बार इनकी 13 वोटों से सरकार गिर गई थी, ये कुछ दिन मतलब दिन के लिए ये प्रधानमंत्री रहे, कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, कुछ वोटों से इनकी सरकार गिर गई थी, इन्होंने कहा था आज कांग्रेस मेरे पर हंस रही है और एक दिन आएगा तो पूरा देश कांग्रेस पर हंसेगा। तो इनकी ना जो बातें हैं ना बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी को ना श्रीमती इंदिरा गांधी
जो देश की प्रधानमंत्री होती थी ना, यूएनओ में स्पीच देने के लिए अटल जी को भेजा, उनको भी पता था कोई यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है तो अटल जैसा इंसान नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी का वो स्पीच यूएनओ के टॉप 10 स्पीचों में आज भी गिनती होती है। हिंदी में यूएनओ में स्पीच देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना प्यारे बच्चों। बहुत बार क्वेश्चन इनसे पूछा गया है, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों। एक बार पूछा गया था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, मज्जी निकाय और दिव्यावदान कौन सा साहित्य है, तो बोध साहित्य है। मज्जी निकाय और दिव्यावदान कौन सा साहित्य रहेगा प्यारे बच्चों, ये बोध साहित्य रहेगा। मज्जी निकाय और दिव्यावदान कौन सा साहित्य रहेगा प्यारे बच्चों, बोध साहित्य रहेगा। ये याद रख लेना, मज्जी निकाय और दिव्यावदान कौन सा साहित्य रहेगा, बोध साहित्य रहेगा। एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आए हैं। एक बार पूछा गया था बच्चों पहली लोकसभा का चुनाव कब हुए थे, तो पहली लोकसभा के चुनाव पूछे प्यारे बच्चों तो भी 1952 में हुए थे, और पहली राज्यसभा के चुनाव पूछे तो भी बच्चों अप्रैल 1952 में हुए थे। और वर्तमान में पूछे ना तो 17वीं लोकसभा चल रही है, और वर्तमान में कौन सी राज्यसभा चल रही है, वर्तमान में पहली क्या चल रही है, राज्यसभा चल रही है। क्यों चल रही है गुरुजी, क्योंकि राज्यसभा क्या होता है बच्चों, एक स्थायी सदन होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता क्योंकि इनके सदस्य है ना, प्रत्येक का कार्यकाल 6 वर्ष में एक तिहाई सदस्य अपने आप रिटायरमेंट ले लेते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्य जैसे लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा में 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी एज 30 साल होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में दोनों से बन सकता है, लोकसभा से बनता है तो 25 साल का, राज्यसभा से बनता है तो उसकी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रहेगा, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है प्यारे बच्चों। आगे आता है गोकेरूर खालिस्तान के द्वारा लिखा गया, गोकेरूर ये मधुकांत के द्वारा, गोकेरूर किसकी रचना थी, तो गोकेरूर है ना ये मधुकांत की रचना होती थी। किसकी रचना होती थी प्यारे बच्चों, मधुकांत की रचना का नाम क्या होता था, गोकेरूर किसकी रचना होती थी, मधुकांत की क्या होती थी प्यारे बच्चों रचना होती थी। और एक एग्जाम में ये पूछा गया था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, वाल्मीकि के रामायण पर आधारित निम्न में किस साहित्यिक रचना को कालिदास द्वारा लिखा गया था, तो ये रघुवंशम लिखी गई थी। कालिदास ने कौन सी लिखी थी, वाल्मीकि की रामायण पर आधारित कालिदास ने रघुवंशम लिखी थी, कौन सी लिखी थी प्यारे बच्चों, रघुवंशम लिखी थी कालिदास ने, कौन सी लिखी थी, रघुवंशम लिखी थी। और हरियाणा का ना प्यारे बच्चों कालिदास है ना पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को और दीपचंद बहमन को भी कहा जाता है। दीपचंद बहमन हरियाणा के कालिदास के साथ क्या रहेंगे, हरियाणा के शेक्सपियर भी रहेंगे। क्या रहेंगे, हरियाणा के कालिदास और शेक्सपियर, दीपचंद बहमन है और हरियाणा के ओनली कालिदास आए तो पंडित लक्ष्मीचंद और दीपचंद बहमन दोनों हैं। तो कालिदास वाल्मीकि के पर आधारित कालिदास की कौन सी रचना होती थी, रघुवंशम रचना होती थी। ये था प्यारे बच्चों आज का टॉपिक, और मैं कहता हूँ ये सीरीज आपको कितने दिन तक चाहिए आप कमेंट करके बताना। वैसे इस सीरीज में आपका जो हमें अपार प्यार मिल रहा है उसके लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, और कोई ताकि है ना चैनल सब्सक्राइब करने से ना आपके सर का हौसला बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और एजुकेशन को प्यारे बच्चों किसी भी हालात में रुकने मत देना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।